पिछले दिनों धूलकोट भगोरिया में हुई मारपीट की घटना की निष्पक्ष जांच हेतु आदिवासी संगठनों ने दिया आवेदन। बीते दिनों धूलकोट भगोरिया हाट में रंग लगाने की बात पर हुए विवाद और मारपीट की घटना के संबंध में आदिवासी सामाजिक संगठनों ने मंगलवार को एकत्रित होकर भगवानपुरा थाने पर आवेदन दिया, जिसमें घटना के दिन से सीसीटीवी फुटेज चेक कर वीडियो में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई। चरीपुरा निवासी रेवला ने बताया कि धूलकोट भगोरिया में मेरे साले की लड़की को धूलकोट के कुछ लड़कों द्वारा रंग लगाया जा रहा था, जिसका विरोध मेरे लड़के द्वारा किया गया तो उसके साथ मारपीट की गई। घटना की जानकारी लगने पर मैं बीच बचाव के लिए गया तो मेरे साथ भी मारपीट की गई। वहीं आदिवासी संगठन जयेश के भावेश खरते ने बताया कि पिछले दिनों धूलकोट भगोरिया में हमारे समाज की लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई थी, बीच बचाव करने गए लोगों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे हमारे समाज में आक्रोश है, इसी को लेकर भगवानपुरा थाने पर आए हैं एवं मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया है। साथ ही पूरे समाज द्वारा धूलकोट में होने वाले आगामी गुड़ तोड़ कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा एवं समाज से कोई भी ढोल मादल लेकर इस बार कार्यक्रम में भाग लेने नहीं जाएंगे। आज हमारे समस्त आदिवासी संगठन एकत्रित हुए थे। पिछले दिनों धूलकोट भगोरिया हाट में हमारी लड़कियों को छेड़ा गया था और हमारे लड़कों ने बीच बचाव के लिए गए तो हमारे लड़कों को मारा और साथ में उनके पिताजी रेवला भाई गए उनको भी मारा। उस संबंध में हमारे समाज में एक आक्रोश है, जिसको लेकर आज हम भगवानपुरा थाना आए हैं और हमारे जो लोगों को मारा था, जिन जिन लोगों को मारा था जिन असामाजिक तत्व द्वारा, उनके ऊपर कार्रवाई करवाना है। तो हम एक वीडियो के माध्यम से, वीडियो फुटेज है हमारे पास में, धूलकोट में कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और हमारे लड़कों के पास में वीडियो भी है, और उस वीडियो के माध्यम से जिन जिन लोगों ने मारा था उसके ऊपर कार्रवाई हो, इस संबंध में आज भगवानपुरा थाने पे पहुंचे थे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो फुटेज में देख के या वीडियो में देखकर इनके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। समाज के द्वारा क्या निर्णय लिया गया? हमारे समाज के द्वारा यह निर्णय लिया है कि हमारे समाज के साथ इन लोगों ने मारपीट करी, हमारी लड़कियों को छेड़छानी करी और अभी इनके यहाँ पे जो गुड़ तोड़ी का कार्यक्रम आ रहा है, हम समस्त आदिवासी संगठन और हमारा जितना भी समाज है, हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और समाज को भी हम यही बोल रहे हैं कि हमारा समाज के साथ इन्होंने ऐसा किया तो हम इनके कार्यक्रम में कोई से प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं होंगे। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा पूरा भगोरिया में गया था तो मेरे शालील की पूरी लगती वो लश्कर महाराज की बहु ये पूरी, तो उसको मार रहा था, गुलाल लगा रहा था ने इसके बच्ची को, तो मेरा पूरे रिश्तेदार लगता तो वो बोला कि क्यों वो गुलाल लगा रहा बच्ची को, तो मेरा पूरिया का कपड़े निकाल कर मारते मारते गोडा पटेल के घर पास लाया। उसके बाद रामेश्वर गया तो उसको भी भिनकर मारा। उसके बाद हमारे पास मोबाइल आया कि तेरा पूरिया को पंचायती मार रहा, तो मैं गई समझाने गया, समझाने जाने बाद वो मेरे को भी मारने, मेरा भाई को मारने लग गया। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट भगवानपुरा। बिहार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।